नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा और फ्राई वाला अंडा जैसे सब्जी बनती है तो वही वाली बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं तल रही थी और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए होंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर से प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे मैं तीन अंडे ले आई थी और यहाँ पे तल लेती हूँ पहले फ़्राई कर लेती हूँ इसको और इसमें से मैं दो ही अंडे बनाऊंगी और एक अंडे को बुलबुल के लिए मैं निकाल दूंगी क्योंकि वो ऐसे ही खाती है सब्ज़ी में नहीं खाती है तो फिर उसके लिए मैं ऐसे ही एक निकाल दूंगी तो यहाँ पे मैं तीनों को फ्राई कर ली हूं और थोड़ा सा तेल तेल डाल दी थी और उसके बाद अभी सॉरी थोड़ा सा ये मटर था तो फिर इस मटर को अच्छे से हम इसको ला वो करेंगे आ, बढ़िया से इसको तल लेंगे देखिए यहाँ पे हो गया है और मटर लाल हो गया था तभी देखिए इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ तेल में और ये मैंने लहसुन और मर्चा और अद अदरक का सब कुछ का पेस्ट बना लिया था पीस के और थोड़ी देर तक इसको भूनी हूँ और अच्छे से पका के फिर ये देखिए मसाला है और मसाला को मैं इसमें डाल देती हूँ उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखिए अच्छे से पका ली हूँ अभी मैं थोड़ी देर इसे और पकाऊंगी तब जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा अच्छे से उसके बाद देखिए मैं इसमें यहाँ पर मटर डाल देती हूँ और हरा वाला मटर ये है और इस तरीके से अगर आप अंडे को बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में और इसकी जो ग्रेवी रहेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और अब डाल देती हूँ पानी इसमें तो जितना आपको पानी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डालूंगी ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे आ, दो ही लोगों के लिए बनाना है तब बीवी ज़्यादा ही बन जाती है तो यहाँ पे इतना सारा पानी डाल दी हूँ और अभी मैं डाल देती हूँ नमक और चलिए देख लीजिए अभी आप लोग किस तरीके से बना हुआ है अंडा तो एक बार आप लोग देख लीजिए और बहुत ही अच्छा लगता है मतलब देखिए कितने बढ़िया से पक चुका है और अभी मैं इसमें डाल दी हूँ पकने के लिए तो बस अभी थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना भी था और बहुत ही अच्छा लगता है तो देख लीजिए आप लोग कितने बढ़िया से बन के तैयार हो गया था और ये देखिए यहाँ पे साड़ी वाला आया था तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब सारी औरतें साड़ी ले रही थी तो यहाँ पे आया हुआ था ये देखिए और यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ तो किस तरीके से साड़ी आपको पहनना है आज मैं दो तरीके से साड़ी आपको बताऊंगी सीधे पल्ले में तीन तरीके का बताऊंगी कैसे पहनना है तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो यहाँ से पहले तो आपको यहाँ टक कर लेना है तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे घोस लेते हैं आप चाहे कुछ भी बोल सकते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से और उसके बाद हमें पूरी साड़ी मतलब कि आप लोग कैसे जो मतलब कि घर में डेली यूज़ में जो साड़ियाँ पहनते हैं और सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन से काफ़ी लोग मतलब कितने सारे पिन लगाते हैं तो यहाँ ज़्यादा पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है बस एक ही पिन से आपका काम जो है वो चल जाएगा तो मैं आज एक ही पिन से साड़ी कैसे पहना जाता है वो बता दूँगी आप लोगों को और और तीन तरीके की साड़ियाँ भी कैसे पहनी जाती है तो चलिए देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया था अब यहाँ पे और कोई हमें यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं ना यहाँ पे ये कर लेते हैं मतलब कि यहाँ पे भी जैसे साइड में ला के बैक साइड में ला के यहाँ पर टक्कर लेते हैं ना लेकिन वो करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी तो बस यहाँ पर मैं सिंपली सा बस प्लेट बना लेती हूँ देखिए और फटाफट से प्लेट भी बन जाता है अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ प्लेट बना लिया है बस और हमें अच्छे से यहाँ पर देखिए इस तरीके से खोस लेना अंदर की साइड और ये देखिए हमारा प्लेट कितने अच्छे से बन गया आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से प्लेट जो है वो बना हुआ है और बाकी का जो, जो हल्का फुल्का जो कपड़ा बचता है थोड़ी सी हमारी साड़ी वो यहाँ पे लाके हमें खो ये देखिए यहाँ पे लाके साइड में हमें तो बस यहाँ पे ला हम यहाँ पर भी टक कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हमें अच्छे से इसकी प्लेट जो है वो बना लेनी है और हम ध्यान रखें कि हमारा जो प्लेट है जित कितनी हमें पतली चाहिए कितनी हमें चौड़ी चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए तो देखिए यहाँ पे मैं बिल, पतला ही बनाऊँगी ज़्यादा मुझे चौड़ा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं पतला सा ही बनाऊँगी तो ये देखिए अगर आपको सीधा पल्लू चाहिए तो अभी मैं आपको सीधे पल्लू में ही बता रही हूँ ये देखिए इस तरीके से काफ़ी लोग पहनते हैं ना लहंगे के टाइप मुझे भी पसंद है तो इस तरीके से देखिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी साड़ी पहन सकती है देखिए और देखिए कितना भी कितना सुंदर लग रहा है और इसमें कोई पिन वगैरह में कुछ नहीं लगाई हूँ और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी साड़ी पहन सकते हैं सिर्फ़ एक पिन आप लगा सकते हैं ऊपर बस तो यहाँ पे मैं एक भी पिन नहीं लगाई हूँ अभी इस तरीके से आपको बता रही हूँ और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन से आप इस तरीके से साड़ी पहन सकते हो तो ज़्यादा पिन लगाने की आपको जरूरत नहीं है तो देखिए आप लोग बताइएगा ज़रूर से कमेंट करके और ये देखिए इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप साड़ी पहन सकते हैं देखिए इस तरीके से भी अक्सर करके सब लोग पहनते हैं गुजरात में तो इस तरीके से भी पहन सकते हैं और बाकी ये देखिए तो ये देखिए हमें इस तरीके से साड़ी जो है हम पहनते हैं डेली यूज़ में इस तरीके से पहनते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस तरीके से पिन यहाँ पे लगा लीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छा है मतलब कि इस तरीके से अगर आप पिन लगा लोगे आप चाहे जहाँ पर भी आओ जाओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई दिक्कत होती है और अच्छा भी मतलब लगता है देखिए कितने अच्छे से मैं यहाँ पे पहनी हुई हूँ और कोई दिक्कत नहीं है और चाहे जैसे आप आओ जाओ और को कोई भी मतलब